अब रुख करते हैं मियांवाली का, जहां मियांवाली की तहसील पिपला में आए दिनों बिजली की खराबी ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। हमारे नुमाइंदा राव इमरान वहां मौजूद हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए भी तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान की बात नहीं सुनी जाती। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियांवाली की तहसील पिपला में, और यहाँ इस टाइम मैं मौजूद हूँ मोहल्ला गार्डन कॉलोनी में, जहाँ पे हम आए हैं जो वाइस प्रेसिडेंट वुमेन विंग पीटीआई की हैं गुलबानो खान नियाजी, उन्होंने हमसे राबता किया था कि आप यहाँ आएँ। यहाँ का एक मसला है कि ये आप पीछे ट्रांसफार्मर दे सकते हैं, ये 4-5 दिन से ख़राब है और काफ़ी मरतबा वापडा वाले आते हैं, चेंज करके चले जाते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉपरली कोई इसका हल नहीं निकला। इस एरिया में कमर्शल्स दुकानें भी हैं जिधर 3-फेज बिजली की ज़रूरत है, जो कि अभी नहीं लग सकती है। वापडा वालों को चाहिए यहाँ किसी एक और ट्रांसफार्मर का इंतज़ाम करें या फिर इसी को बेहतर बनाएं ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ के मौजूद हैं, हम उन भाइयों से पूछते हैं कि यहाँ क्या प्रॉब्लम थी और कितने दिन से बिजली नहीं है। एक भाई हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं और कितने दिन से बिजली नहीं है। जी भाई, आप क्या कहेंगे? जी इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे 3 दिन से लगातार बिजली नहीं थी। ये हमारा कमर्शियल एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, और एक ही ट्रांसफार्मर हमें दिया गया था, जो कि वो रिपेयर करके जाते थे, 10-15 मिनट के बाद दोबारा बिजली ट्रिप करती थी और ट्रांसफार्मर फिर खराब हो जाता था। तो अब इन्होंने ये एक दोबारा नया ट्रांसफार्मर लगाया है, 3 दिन के बाद लगाया जी। ये छोटा सा ट्रांसफार्मर है, ये कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं, तो देखते हैं ये अलग करें ये चल जाए। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ ये ट्रांसफार्मर का इशू है, 3-4 दिन से बिजली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब वापडा वाले ये ट्रांसफार्मर फिट तो करके चले गए हैं, लेकिन बस ये अब इलाके वालों का कहना है कि कोई एक प्रॉपरली इसका हल निकालें या एक और ट्रांसफार्मर लगाएं, क्योंकि यहाँ लोड बहुत ज़्यादा है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है। जी भाई, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। भाई, जब से ये ट्रांसफार्मर का मसला बना है, मसला बनने के बाद इन्होंने वापडे वालों ने हमें बगैर बताए कुछ हमारा 3-फेज का कनेक्शन काट दिया है, जिससे 5 दिन से हमारा कोई कारोबार नहीं चल रहा, कोई काम नहीं चल रहा। अभी जब वापडे वालों से बात करते हैं कि आप मेहरबानी करें हमारे कनेक्शन चालू कर दें, वो कहते हैं जी आपको ओवरलोड है, जबकि हम उन्हें वापडे वालों को अपना पूरा बिल पे कर रहे हैं और बिल के ऊपर जो हमारा लोड है वो ओवरलोड भी नहीं है। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस मीडिया चैनल के तवसु से कि हमारी बात अहकाम आला तक पहुँचाई जाए और हमारा काम किया जाए। जी अंकल, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सलाम अलैकुम जी। ए अल्लाह, गरीब आदमी मसाले भाई, केड़ा साढ़े इधर लोड ही कोई नहीं, लोड हो गया था वाता कन्ना सोना लग गया, एक कितने साल थे लगे पैन होर मीटर लाई वैन हर कहते ऐसी चलते पैन साढ़े राह पाए पे जी। गरीब आदमी मसाल बिजली काट गए, 4 ट्रांसफार्म सड़ गए, साड़ी वजह सड़न तो बात आखिर भाई साड़ी वजह सड़न। तो ये सिलसिले में हम आज यहाँ आए हैं और ये अब ट्रांसफार्मर फिट हो गया है, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी भी प्रॉपरली इसका मसला हल नहीं हुआ। मोहम्मद इमरान, नुमाइंदा ABC News मियांवाली।